अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ मैं हूं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं स्मार्ट मुंडा यूट्यूब चैनल। और हाँ, वीडियो जो है ना मज़ेदार होने वाली है। वीडियो जो शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर किया करें। इंशाल्लाह बने रहिए साथ साथ, क्योंकि हमने हाँ जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना सरसों वो अपना पक चुकी है, जैसे देखिए रंग चेंज कर लिया है और हमने ना साथ साथ जो है ना सरसों उसको काटना शुरू कर दिया है। जो बड़े भाई हैं ना वो सरसों काट रहे थे और मैं और मुझसे जो बड़ा है ना वो हम चारा काट रहे थे और छोटा रख रहा था ऊपर, और मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर लूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हमने काट के ना चादर में जोड़ दी है, चादर में रख चुके हैं और अब इसको गांठ लगाएंगे और रखेंगे रेडी के ऊपर और फिर इंशाल्लाह ताला जाएंगे घर। हाँ जी, सरों को गांठ लगाते हुए डिसाइड ये हुआ है कि छोटे भाई ने कहा कि मैं सरसों उठा के लेके जाऊंगा, क्योंकि रेडी पे रखेंगे तो ये लगेंगी जो है ना माल्टे के दरख्त के साथ और सरसों जो है ना वो सारी अंदर से नीचे गिरेगी और नीचे से भी ज़मीन पर आ जाएगी तो हमारे किसी काम नहीं रहेगी। इसलिए छोटा जवान जो है वो सरसों को सर पे उठा के लेके घर जा रहा है और आपका भाई जो है वो अभी जा रहा है रेडी की तरफ, रेडी को पकड़ेगा और इंशाल्लाह ताला घर जाएगा। हाँ जी, आपका भाई जो है ना वो रेडी के ऊपर बैठ के जा रहा है घर की तरफ, तो मैंने कहा आज जो है ना सवारी की जाए ऊपर बैठ के, तो इंशाल्लाह चलते हैं घर। हाँ जी दोस्तों, जो है ना थोड़ी से सरसों जो है ना वो चादर से इजाफी हो गई थी और जो है ना वो आपका भाई अभी उठा के उसको लेके आया रहा है घर और ये इंशाल्लाह रखती हैं वहाँ पे ताकि जो है ना हमारी सरसों ज़ाया ना हो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें भाई, आपका भाई जो है ना सरसों जो रह गई थी वो लेके आ गया है घर और इसको इधर रखते हैं यहाँ पे चादर बिछा के। हाँ जी, अभी मैं जा रहा हूँ जो है ना वो खरगोशों के बच्चे चेक करने के लिए, क्योंकि अब आज जो है ना तकरीबन वो ना 15 दिन के हो गए हैं और उन्होंने ना आँखें खोल ली होंगी, तो जाके चेक करते हैं कि आँखें खोल ली हैं कि नहीं खोलें। तो चलते हैं खरगोशों के कुल्ले की तरफ। बकरियाँ वगैरह मैंने सारी खोल दी हुई हैं, मैंने कहा ये ना खुली रख इंजॉय करें, खुली 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 खुली। ये देखिए आपका भाई आ गया है इधर, ये देखें आपका भाई जो है ना वो कूड़े के अंदर घुस गया है। ये वो ये दोनों उसके एक अंकल है और एक है उसके पापा और अभी बच्चे के अंदर है बच्चे, ये हैं कूट कूट बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से और आंखें खोल ली हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेट बेबी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ना डरते नहीं है ना बेटा, डरते नहीं है, डरते नहीं है, ये देखो बिस्मिल्लाह। ये देखिए इन्होंने ना आंखें जो है ना वो खोल ली हैं, अभी अभी बाहर निकलना स्टार्ट नहीं किया, अभी इनकी मम्मा जो है इनको दूध ही पिलाएगी, लेकिन ये है कि इन्होंने आंखें खोल ली हैं। चला जा अपने घोंसले के अंदर। ये देखिए किधर छुप गया जाके, ये कहाँ छुप गया है, ये कहाँ छुप गया है। आपको भाई आप लोगों के लिए खुटे के अंदर घुस गया है, तकरीबन 15-16 दिन के आज हो गया है इंशाल्लाह ताला। इस पे मैंने जो पहले ना 10 दिन के हो गए था वो भी मैंने ऐड करनी है तस्वीर इंशाल्लाह। हाँ जी, अभी आपका भाई जो है ना वो ये देखें तगारी उठा के ले आया है, मैं डालने लगा हूँ अपनी गायों वगैरह को गंडा, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको दिखाता हूँ कि मगाओं को गंडा डाल रहा हूँ। हाँ जी, ये ला के रख दिया है आपके भाई ने इनके सामने खल को, अब ये मज़े मज़े से खा जाएंगी। अभी मैं जाऊंगा और बच्चों को दूंगा। अभी मैं ये देखें जी बड़े वाला जो पीस है ना वो इस बड़े बच्चे के लिए, देखना कितने मज़े से खा जाएगा। और ये जो है ना पीस ये है मेरी इस बछड़ी के लिए, ये भी बुला रही है उतरी खा गई। और अभी जो है ना मैं अपने इस बछड़े के पास आ गया हूँ और ये लो भाई भाईजान चारा छोड़ो, चलो साहब चारा छोड़ो, वो तेरी भैन दी। ये मैं आ गया हूँ बड़े बछड़े के पास और ये खुद से नहीं खाएगा, इसको पकड़ के खिलाना पड़ेगा। अभी मैं मोबाइल रखता हूँ, पकड़ के खिलाता हूँ इसको। हाँ जी, ये देखें मैंने इसको ना पकड़ के खिला दिया है और अब इसने मज़े से खा भी लिया है।
और अभी ये लास्ट वाला जो है ना, इस लास्ट वाले छुटकू के लिए है। छुटकू भाई, ओ छुटकू भाई, ये लो, चारा खाने में मसरूफ है, वगैरह मैं नहीं खाऊंगा, चारा खा रहा है। लैला, हाँ जी, मैंने इसको पकड़ के जो है ना वो खिला दिया है, ये खुद से नहीं खा रहा था क्योंकि चारा खा रहा था ना इसलिए। हाँ जी, ये देखें भैंसों के नीचे ना, गांव के नीचे जो जगह थी ना हमारी, वो रोड़े वगैरह जो है ना बैठ गए थे, तो ये अभी निकाल के ना इसमें रेत नीचे डाली जाएगी और इनको ना बराबर ऊंचा करके जो है ना वो लगाएंगे बड़े भाई साहब, और मैं जो है अब ओनली फ्री होकर। ये देखें आप जो है ना वो नीचे रेत डाली जा रही है, और रेत डाल के जो है ना ऊपर जो इसके हमने निकाले हुए थे ना ईंट के टुकड़े पीसीस यानी कि रोड़े, वो फिट करके लगाए जाएंगे ताकि ये जगह हमवार हो जाए इसके साथ, और जो है ना उनका बारिश का पानी और उनका जो है ना छोटे पेशाब का पानी वो नीचे नीचे जाता रहे। ये देखें जी, भाई ने भी ना ईंटे वगैरह लगा के ना जगह हमवार कर दी है, ब्यूटीफुल हो गई है। अब जो है ना नीचे ढलान थी ना वो ख़त्म हो चुकी है, और ये हथियार इधर ही छोड़ गए हैं क्योंकि अभी वहाँ पर काम रहता है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से गांव ने खा लिया है बंडा वगैरह, और मैं जो खाली छाप में है ना ये लेके आता हूँ कूलर, और इसके बाद जो है ना आपका भाई जो बकरियों को देने लगा है कि दवाई क्योंकि रिचका है तो इनकी वर्निंग करनी जो है ना वो ज़रूरी है अभी दिखाता। हाँ जी दोस्तों, तो आपका भाई जो है ना वो करने लगा है बकरियों के जो पेड़ के ना कीड़ों की सफाई, उनको करवाने लगा है डॉर्मिंग, और ये मैंने जो है ना वो दवाई इसमें डाल ली है और इसके अंदर लस्सी भी डाल ली है। अभी मैं जो है ना इसको सिरिंज में भर के क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना वो खिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और जो बकरियां हैं ना, उन्होंने समझा पता नहीं हमारे लिए क्या लेके आया, ये मेरे इर्द गिर्द ऐसे आ गई है ना भाग भाग के, तो अभी भरते हैं इंशाल्लाह ताला सिरिंज में और इनको खिलाते हैं, साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। हाँ जी, सबसे पहला जो नंबर है ना वो लगा है इस बकरी का, और इसने दवाई अपने से की पी ली है, ये बात। हाँ जी, ये देखें अभी मैंने दूसरे जानवर के लिए ले ली है दवाई 20 ml, तो अभी जाके पकड़ते हैं उसको और उसको भी ना जल्दी से पिलाते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, दूसरे जानवर को भी पिला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखें भाई जान, आपका भाई जो है ना वो सिरिंज के साथ ना दवाई इसके अंदर जो है ना वो ले रहा है, इसके अंदर अभी आ गए हैं छोटे ज़रा जानवर, तो मैं उनको ना कम पिलाऊंगा, यानी कि थोड़ी सी बड़ी बकरियां हैं ना उनको पिलाऊंगा तकरीबन जो है ना वो 15 ml ये, तो क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं देनी, तो इंशाल्लाह भाग ली भाई, अभी मैं जाके देखता हूँ बकरी को। अच्छा जी, उसको भी बुला दिया है, अभी मैं नेक्स्ट जो है ना बकरी उसके लिए लेने आया हूँ मेडिसिन, तो ये देखें अभी वो उसका भी बॉडी स्कोर जो है ना वो कम ही है, तो उसके लिए भी होगी तकरीबन 15 ml, क्योंकि इसमें दवाई भी शामिल है और साथ में जो है ना मैंने इसके अंदर डाली हुई है लस्सी। अभी जो है ना बड़े बकरे की बारी है, तो आपका भाई जो है ना उसके लिए लेगा ज़्यादा, तकरीबन 20 के करीब लूँगा क्योंकि उसका थोड़ा सा ना बॉडी स्कोर ज़्यादा है, तो ये मैं तकरीबन 20 के करीब मैंने ले ली, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह जाकर उसको बतलाते हैं। अच्छा, अभी जो है ना भाई मैं लेने आया हूँ छोटे बकरे के लिए, और मैं इसको दिखाऊंगा आपको मैं उसको पिलाऊंगा कैसे, तो उसका बॉडी स्कोर और जो है ना वो कम है, उसके लिए तकरीबन 12 के राउंड अबाउट में दूँगा, ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, मैंने बड़ा बकरा जो है ना उसको पकड़ लिया है, तो ये गई सिरिंज इसके मुंह में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये अब मैं डालूंगा दवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह से इस जवान ने भी दवाई जो है ना वो अपनी ख़त्म कर दी है। अभी सिर्फ ना दो जवान रह गए हैं, दो नहीं बल्कि तीन रह गए, एक छोटी रह गई है, तो बाकी सबको पिला दिया है, और गर्मी चेक करें, और आपका भाई भाग भाग के पकड़ रहे हैं उनको, क्योंकि भागना शुरू कर देते हैं, और धूप चेक करें, और आपके भाई की मेहनत भी चेक करें, मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर लाजमी किया करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो तीर रहते हैं ना उनको भी पिलाते हैं, और फिर यहाँ से होते हैं फ्री। हाँ जी, बकरियों को देने के बाद मैं फ्री होकर आया हूँ, ये एक बछड़ा है ना इसको मैंने भाई देनी थी, इसको मैंने पिला दी है, वो भी सिरिंज के साथ ही, और अब आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया फ्री, क्योंकि बकरों को भी दवाई हो गई है और मेरे बछड़े को भी हो गई। अभी मैं नहाऊँगा, नहा के आराम करूँगा इंशाल्लाह ताला।
हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी है ना आज की वीडियो जो है ना वो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। आपका भाई जो है ना अभी अपनी ड्यूटी पे आ चुका है, हमेशा ख़त्म कर लिया है, अभी हो गया अफ्तारी का टाइम, तो मेरा जो है ना वीडियो घंट रहता था, मैंने कहा दोस्तों से इजाज़त ले लूँ। तो आपका भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो लेकर सुबह आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, तो हमें याद रखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे अच्छी सी वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।